जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, लास्ट टाइम डिक्रिप्ट किया था पासवर्ड को, तो अभी तो फिलहाल मेरे हाले रूम बदला हुआ है, इधर कुछ भी नज़र आ रहा है। चलो कॉल एंट्री कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, 1 मिनट में हो जाए। बल्कि इसमें एक काम एक और कर लेते हैं, सिस्टम बदल गया तो हम मॉडल्स में जाके एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं, रोल टाइप उसके नंबर कर लें और डिफॉल्ट वैल्यू कर दें 0। इस रोल का क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप अलग सिस्टम बना रहे हैं इसकी बेस पे आपने अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में देखा होगा, डिफरेंट यूज़र के डिफरेंट एक्सेस लेवल होते हैं। मतलब टीचर का एक्सेस लेवल और है, स्टूडेंट का और है, एडमिन का और है, एचआर का और है, बैंक में जाएं तो मैनेजर का रोल और है, कंप्यूटर वही है, लॉगिन सिस्टम वही है, और उनका जो मैनेजमेंट वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है वो वही है। जब वो लॉगिन करते हैं तो उनके यहाँ पे डिफरेंट रोल्स बदल जाते हैं। इसको हम अगर 1 कर देंगे तो एडमिन बन जाएगा, ये एडमिन के पास पूरे अख्तियार आते हैं, वो एडिट कर सके, डिलीट कर सके, क्रिएट कर सके, अपडेट कर सके। अगर वो 0 है तो बाई डिफॉल्ट वो यूज़र 0 ही रहेगा। हेलो, हाँ जी,
सुबह सुबह पढ़ते हैं। अच्छा जी, एक नई प्रॉपर्टी इसलिए ऐड की, अब हम आगे डिक्रिप्शन की हद तक किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा, पूछ सकते हैं। पासवर्ड को अभी वैसे हमने कोई एंट्री की नहीं, एक आध एंट्री कर ही लेंगे। अभी मुझे नेक्स्ट जब थर्सडे को क्लास हो गया, आपने याद कराना है, अब हम ये डेटाबेस ही ना ऑनलाइन शिफ्ट कर देंगे एटलस पे। चलें, एक तो दोनों आपको फायदा हो जाएगा, आप जियो डेस्कटॉप ऐप पे भी काम हो जाएगा और ये डेटाबेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी, टेंशन ही खत्म। ये रोज रोज हम जो डेटाबेस बनाते हैं, एंट्रियां करते हैं, हमारा काम ही बच जाएगा। चलें, बहरहाल अब बन गए तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पे करते हैं जी नेम। विक्रांत, नेम विक्रांत, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जैसा भी आप क्यों नहीं बना रहे, टेक्स्ट है इसलिए पता नहीं कितनी को होगी प्रॉपर्टी। देखते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, नेम, ईमेल, विक्रांत @gmail.com, पासवर्ड रख लेते हैं एडमन, फोन एड्रेस, NN 2333 9 2333 एड्रेस 1 2 3। अच्छा, रोल इसमें आप असाइन नहीं करेंगे, 5 है, 2 3 4 5। रोल जो है वो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में खुद ही 0 स्टोर हो जाएगा। ये एडमिन जो है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो ये तय करेगा कि मैंने किसको रोल देना है। उसके अकॉर्डिंगली फर्ज करो एक आप लॉगिन होते हैं, आप वहाँ पे कंपनी में हैं, आप नॉर्मल अगर वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होंगे तो आप यूज़र होंगे। जब आप वहाँ पे जाके एज एम्प्लॉई हो जाएंगे तो कहेंगे यार इससे हमने काम करवाना है, तो इसको हम कोई ना कोई एक्सेस लेवल दे देते हैं। वो आपकी एक्सेस, उसके पास एडमिन डैशबोर्ड बना होगा कुछ इस तरह, यानी आप इस सिनेरियो को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। ये आप डिफरेंट यूजर आ रहे हैं उसके पास, सीरियल नंबर है, नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, पासवर्ड है, और यहाँ पे रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, बना देते हैं यार रोल। यहाँ पे उसने किया जीशान, जीशान @gmail.com, एड्रेस पे लाहौर है, पासवर्ड एडमिन रखा, पासवर्ड मेरे ख्याल क्या रखा एडमिन ने के लिए। ये रोल अभी जितने भी यूजर आते जाएंगे ना, ये उनका रोल, ये कुछ निशान वन आ गया, चलो टैन ही चलने दें, प्राची कर दें, ABC, रोल इसका भी 0 है, ये एक निशान डबल वन आ गया, 0, कौन सी 0 लगा रहे हैं, चलो 0 इतनी छोटी होगी, चलो खैर लाहौर है इसका, चलो जी पाकिस्तान। अच्छा, वो कुछ स्पेलिंग हुए हुए हैं, कंट्रोल डी, इसके सपने का टाइमिंग, सॉरी कट भी कर देते हैं, तो फिर भी नहीं हुआ। स्मॉल कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स क्यों कर रहे हैं, ऑल कैप्स। अच्छा खैर, ये भी 0 है, ये चलते जा रहे हैं रोल। इसी तरह जितने भी यूजर आएंगे ना, ये एडमिन के डैशबोर्ड पे शो होंगे, आप उसको गेट कर लेगा, एडमिन को आप गेट का वो लगा के ना एपी बना देंगे गेट की, तो उसको शो होंगे। यहाँ पे ना उसने एक बटन बनाया होगा, या यही रोल है इसके पास, एक ड्रॉप डाउन बनी होगी, ये बंदा है उसको डेटा बेस में जाके मैनुअल या ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देगा, या चेक बॉक्सेस बन जाएंगे, जो मर्जी बना ले, वैल्यू ही लेनी है ना। अगर वो रोल वन कर देगा तो अब इस यूजर का एक्सेस लेवल बदल जाएगा। ये सिंपल यूजर है, इसको हम कह देंगे जी लिमिटेड एक्सेस है, ये सिर्फ रिकॉर्ड को व्यू कर सकता है बस, एडिट,
डिलीट अपडेट वगैरह नहीं कर सकता। तो ये आज का आपका ओवरऑल थीम रहेगा। एंट्री हम कर देते हैं, सर्वर स्टार्ट कर दिया था, ओके। हमने पोस्ट करना है तो पोस्ट करके सेंड करते हैं। ये एक रिकॉर्ड सेव हो गया, एक दो और कर लेते हैं। ali@gmail.com abc नंबर बदल देते हैं 3-1। चलो कुछ भी रैंडम दे देते हैं, यहाँ पे dhl और कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। ये देखें साथ साथ वो पासवर्ड भी हैश करता जा रहा है। और इधर डेटाबेस में आए तो आपके यहाँ पे LMS नहीं बनाया उसने, ये बन गया, ये दोनों रिकॉर्ड आ गए। और रोल उनका देखें बाय डिफॉल्ट 0 है, मैंने नहीं उसको किया, मैंने डिफॉल्ट वैल्यू ही उसकी 0 कर दी है। ले ली यहाँ से, अब आज की स्टोरी स्टार्ट होती है। JWT टोकन ऑथेंटिकेशन, JWT ऑथेंटिकेशन इमेज, हाँ जी, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन का मैंने डिफरेंस बता दिया था उस दिन। हाँ जी, कोई ऐसा लड़का या लड़की जिसको ऑथेंटिकेशन या ऑथोराइजेशन के दरमियान डिफरेंस नहीं पता? सोचने लग गए। अच्छा, सिंपल है, ऑथेंटिकेशन का मतलब इसको कॉपी पेस्ट करके इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं ताकि मसला समझ में। ऑथेंटिकेशन अगर यूजर पहले रजिस्टर्ड हुआ है तो वो कितना का ऑथेंटिकेटेड यूजर है, मतलब ऑथेंटिकेटेड से मुराद ये समझे कि उसका पहले अगर वो इस टाइम लॉगिन हो रहा है तो क्या उसका अकाउंट पहले बना है, वेदर ही इज ऑथेंटिकेटेड यूजर और नॉट। ऑथेंटिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसकी क्रीडेंशियल पहले डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं, बस। और ऑथोराइजेशन का मतलब है कि वो उसको हमने पावर्स कितनी दी हुई, क्या वो किसी रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता है, एडिट कर सकता है, या फर्दर आप ये भी उसको रोल दे सकते हैं कि वो फर्दर सब यूजर भी क्रिएट कर सके। देखे ना, DBA छुट्टी कर दे तो DBA ने अपना एक सेकंड इन कमांड चीफ भी रखा होता है, तो जिसको इतना अख्तियार देता है कि यार कोई रन टाइम पे कोई यूज़र बनाना पड़ जाए तो आप ये पासवर्ड लॉगिन करें और यूज़र बना सकते हैं, वो आगे अपना फर्दर एक सबॉर्डिनेट भी रख सकता है। लेकिन सारे के सारे रोल जो अल्टीमेटली है वो DBA परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, प्रोसेस क्या रहेगा? पहली तो बात, आपका ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन का आपको डिफरेंस पता चल गया, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। और ये होती है, हम करेंगे JWT, इसको कहते हैं जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन। ये एक स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन, स्टेटलेस से क्या मुराद है, क्या मुराद है, स्टेट का तो पता है ना, तो उसमें से माइनस कर दें लेस, यानी कम, इसकी स्टेट नहीं बनती, उसकी एक वजह है। अगर आप स्टेट हैंडल करते हैं तो स्टेट को हैंडल करने के लिए आपको अल्टीमेटली उसे डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा, तो आपको स्पेस चाहिए। तो स्पेस जब इस तरह कितने यूजर बढ़ेंगे, बेशक वो KB में ले, अल्टीमेटली अगर आप फेसबुक के एंगल से सोचें तो उसमें डेली कितने यूजर नए बन रहे हैं, कितने लॉगिन हो रहे हैं, कितने लोगों को साथ साथ पावर्स भी मिल रही हैं। अगर हम जीमेल के तनासब से सोचें तो वो सिर्फ यूजर्स को ही अगर वो स्पेस देना स्टार्ट कर दें तो उनके सर्वर काफ़ी हद तक फुल हो जाएंगे, पूरी दुनिया में वो चल रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक अच्छा तरीका निकाला, स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। बाकी जितनी भी आपके ऑथेंटिकेशन है वो स्टेट फुल होती है, जिसके अंदर स्टेट हैंडल हो रहा है। जब स्टेट हैंडल होगी, यू नीड सम स्पेस और डेटाबेस एट दी बैकएंड। उसके अगेंस्ट उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया, JWT ऑथेंटिकेशन, जेसन वेब टोकन। ये अब तक की सबसे पावरफुल दुनिया में ऑथेंटिकेशन है, जो अब तक बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं। इससे मॉडर्न अभी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। अभी तक फेसबुक का, अमेजोन का, गूगल का, जितना भी ऑथेंटिकेशन का एंटायर सिस्टम है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता है।
देखें आप सिस्टम में, मैं कहता हूँ मैं फेसबुक पे लॉगिन ही नहीं हुआ, तो इज इट पॉसिबल कि मैं लॉगिन हुए बगैर किसी पोस्ट को लाइक कर सकूँ? नॉट पॉसिबल। मैं कोई पोस्ट अपलोड करना चाहता हूँ या लगाना चाहता हूँ बगैर लॉगिन हुए नहीं लगा सकते, एक सिनेरियो। दूसरा, मैं अपनी प्रोफाइल में लॉगिन हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल में जाके चीज़ें लाइक करूँ, नॉट पॉसिबल। या आपकी प्रोफाइल में जाके चीज़ें पिक्चर्स अपलोड करूँ, हमें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहला स्टेप कब स्टार्ट होता है? जब आप लॉगिन होते हैं, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। रजिस्टर तो हम हो चुके हैं, ओबियसली हम साइन अप हुए, साइन अप हो गया और डेटा बेस में स्टोर हो गए, ये आप साइन अप हो गए। अब अगला फेज होगा आपने लॉगिन होना, यहाँ पे JWT का रोल स्टार्ट होता है, JWT टोकन ऑथेंटिकेशन। इसकी आप ओरिजिनल प्रोफाइल भी देख लें तो ये पड़ी जेसन वेब टोकन। ये वैसे काफ़ी कंफ्यूजिंग होगी, हो सकता है आपको पढ़ने में समझ ही ना आए, अगर आपको समझ आ जाएगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे तो इस पे इतना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ओवरऑल थीम का पता है और थीम मैं आपको समझा दूंगा, थीम की आपको समझ आ जाएगी। ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। क्या नाम है? पहली दफा आए हैं? हाँ, अच्छा तो इतने यार मैं फिर स्टूडेंट ही बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, जब भी नई क्लास में जाता हूँ 4-5 नए ही होते हैं। बैच कल स्टार्ट हुआ है, उसमें कुछ 70 बच्चे हैं, वो आते पहले दिन, दूसरे दिन उन्होंने आगे पूछा कि किन किन बच्चों की फीस पे नहीं। मैं कहा यार मुझे दूसरा अभी देना, तो मैं कैसे इनके नाम बता सकता हूँ? 70 बच्चे इस रूम में भी होते हैं रात और इस रूम में, यानी दोनों रूम खोल होते एक बैच में, तो मैं कैसे पॉसिबल है तुम सबको याद रखें? अच्छा खैर जी, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको देख लीजिएगा। मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। क्लाइंट है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से यूज़र लॉगिन हुआ, जब वो लॉगिन की रिक्वेस्ट करता है ना, तो हम साथ में उसको एक टोकन दे देते हैं, जनरेट हम करेंगे, ये हम तय करेंगे कि हमने यूज़र को टोकन देना है या नहीं देना, ये हम तय करेंगे। ऑब्वियसली DBA या सिस्टम को जो हैंडल कर रहा है वो ये तय करेगा। जब वो सिस्टम में लॉगिन, जब आप पार्किंग में ऐड हुए तो फौरन ही आपको पर्ची दे दी, जनाब ये पकड़े बाइक स्टैंड पार्क पे, ये पर्ची पकड़े वापसी पे ले लेना दिखा के, यही होता है ना रियल लाइफ में। या आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं बैग शैग जमा कराने हो, तो कोई ना कोई टैग आपको दे देते हैं कि यार ये चीज़ है आपकी, तो अब आपने ये पर्ची दिखा के लेनी है। ओके, इसी तरह ही ये वाला सिस्टम चलता है। जब यूजर लॉगिन होता है तो उसको एक टोकन दे देते हैं, चिट दे देते हैं कि भाई ये पकड़ो, आप इस चिट के साथ आप पूरा इंपोरियम घूम सकते हैं, आप पूरे का पूरा बैंक सिस्टम घूम सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है। जैसे आपने एडमिशन लिया है इस रूम में, आपको आज़ादी के आप PNY में, अभी ये पॉसिबल तो नहीं कि आप PBT में जाकर बैठ जाएं, PLTP में या नेक्स्ट स्किल में चले जाएं, या कोई और अदारे में बैठ गए, उनको कहें जी हमें क्लास पढ़ाएं, अरफा की एंट्री मिल जाएगी, भाई उन्होंने एंट्री दी है स्पेसिफिक दैट रूम की, और ये हम टोकन में तय करेंगे कि उसको एक्सेस लेवल कितना देंगे। जब वो लॉगिन होगा, हम इसके साथ एक टोकन अटैच करते, यानी पॉकेट के साथ लगा के दे देंगे, ये पकड़ो ये टोकन। अब उससे आगे जिसके पास टोकन मौजूद होगा, हम ये तय करेंगे कि ये कहाँ कहाँ जाएगा। पहले तो जब वो लॉगिन होगा उसको एक टोकन पकड़ा देंगे, उसको स्टोर करने के लिए कुछ डेटाबेस नहीं चाहिए, जो पहले सिस्टम था सेशन और कुकीज वगैरह का, उसके लिए उनको स्टोरेज चाहिए होती थी। अब इसको स्टोरेज नहीं चाहिए, ये यूजर के ईमेल के साथ, ये यूजर के साथ अटैच हो जाएगा। जब लॉगिन होगा टोकन उसको मिल जाएगा, अब वो टोकन लेके कहाँ जाएगा? वो पोस्टें लाइक करेगा, चीज़ें अपडेट करेगा, ये तो नहीं पॉसिबल कि वो जाके कहे यार मैं फेसबुक की डेटाबेस ही बदल दूँ, उसको हमने इतनी पावर्स ही नहीं दी। उसको पावर दी है सिर्फ अपनी प्रोफाइल की हद तक, किसी दूसरे की प्रोफाइल में भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, हमने उनको टोकन दिए। अब वो टोकन लेके जाएगा, यहाँ पे हम API बनाएंगे। API कौन सी, कि इसको किस लेवल की एक्सेस देनी है, ये हम खुद सारा सिस्टम डेवलप करेंगे। इसके साथ हम एक सीक्रेट की बना देंगे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अगर आप ये जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट अभी खोली है, ये एक्चुअल में ये आपकी एक टोकन बनेगा, ये वाला जब यूजर लॉगिन होगा ना, तो उसका ये वाला पूरा सिस्टम बन जाएगा, उसको इतना बड़ा टोकन मिलेगा। अगर इसका ये पहला वर्ड भी बदल देंगे ना,
तो वो इनवैलिड टोकन होता है, यानी देखें कि इस टोकन को डीकोड करना कितना मुश्किल है। इसके तीन पार्ट हैं, ये देखें ये रेड वाला है, ये हेडर्स हैं। जब आप क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हेडर आपस में एक्सचेंज होते हैं, वो हमने देखा था। कंटेंट टाइप याद है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, वो हेडर्स होते हैं। आपकी रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है, गेट है, पोस्ट है, डिलीट है, वो हेडर्स ही टैग करते हैं। सो हेडर एक्सचेंज जब होंगे तो उसका ये वाला पार्ट होगा, उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। सेकेंड पार्ट होगा जो यूजर लॉगिन कर रहा है, जो लॉगिन कर रहा है उसकी डिटेल क्या क्या है, क्या वो वाकई पहले रजिस्टर हुआ है। अगर रजिस्टर है तो ये हम फिर आगे सोचेंगे। प्रोफाइल का सेक्शन देखा है ना, यूजर जब लॉगिन करता है तो उसकी प्रोफाइल बनती है, उसका नाम, ईमेल या पिक्चर जितनी भी आप शो करवाना चाहें, चाहे 100 प्रॉपर्टी करा दें चाहे 3 करा दें। वो जब एक टोकन के साथ लॉगिन हुआ है तो हम देखते हैं कि इसकी डेटाबेस में प्रोफाइल कितनी पड़ी है, उसका ये एक अलग पार्ट होगा, ये भी डीकोड हो जाएगा, कोडेड हो जाएगा थोड़ी। और थर्ड पार्ट होगा ये एक सिग्नेचर बन जाए। ये जब आप की बनाएंगे ना, सीक्रेट की, जब आप दोबारा लॉगिन होंगे तो ये सिग्नेचर वेरीफाई करता है। पहले आप उसको टोकन देंगे, उसको आप ये समझ लें असाइन कर रहे हैं टोकन, साइन कर रहे हैं ये पकड़ो टोकन। अब जब वो दोबारा लॉगिन होगा तो हम उन टोकन को वेरीफाई करेंगे कि क्या ये मतलूबा शख्स ही है जो लॉगिन कर रहा है। देखे ना, मैं अपना जब भी ईमेल लिखूंगा अगर मैं एक स्पेलिंग या डॉट भी आगे पीछे करता हूँ, वो कहता जी इनवैलिड। अब जब मैं प्रॉपर देता हूँ तो मुझे फौरन ही टोकन मिल जाएगा, उस टोकन की बेस पे मुझे जो जो एक्सेस फेसबुक ने दी है मैं वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल में वो वाले प्राइस सर अंजाम दे सकता हूँ। तो ये इसके तीन पार्ट हैं, इन तीनों को मिलाएं तो एक टोकन बनता है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जब आपका टोकन चोरी भी हो जाए ना तो इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये टोकन किस मकसद के लिए यूज हुआ है। ये पार्ट इधर तो कलर किए हुए हैं भाई, इधर तो कलर हैं तो आपको नजर आ रहे हैं, वो चीज़ें रिशफल भी करता है आपस में, आपको ये पता जा रहा है ये इसका हेडर है। आप लकीली हेडर को ट्रेस आउट भी कर लें, यहाँ पे यूजर कर लें, तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं होगी। कल को की एक सेकेंड, फिर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे पसंद आती है JWT टोकन ऑथेंटिकेशन में, आप बैंक की ऐप यूज़ करते हैं कभी या कोई ऐसा सिस्टम देखा हो, जब आप रजिस्टर करते हैं तो 30 सेकंड के अंदर आपने OTP कोड एंटर करना है, अगर 30 सेकंड में एंटर नहीं करते तो वो एक्सपायर हो जाए। बैंकिंग जितनी भी ऐप्स हैं ना उनको कहते हैं वो सेशन बेस्ड चलती हैं, मतलब अगर आप 2-3 सेकंड के लिए मोबाइल को साइड पर रख देना तो वो खुद ही लॉग आउट हो जाएगा। एक्सपायरी टाइम जो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है ना वो ये है कि आप, मैंने 1 मिनट के लिए उसको टोकन दिया, अब 1 मिनट तक वो एप्लीकेशन यूज़ करेगा, जब 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो उसका एक्सपायरी टाइम ख़त्म, वो लॉग आउट हो जाएगा, मज़ीद वो उस टोकन को यूटिलाइज नहीं कर सकेगा। फेसबुक ने अनलिमिटेड टाइम दिया हुआ है, आप देखें जब भी सुबह खोलें कि आप रोज़ तो नहीं लॉगिन करते, जब भी ऐप खोलें में लॉगिन होती है, जीमेल खोलें में लॉगिन होती है, उन्होंने उसका एक्सपायरी टाइम अनलिमिटेड कर दिया, या उसको आप ये कह सकते हैं कि उसको उन्होंने कंडीशनल कर दिया कि जब वो यूज़र लॉग आउट हो जाएगा ना तो ये वाला टोकन ख़त्म हो जाएगा जब लॉग आउट के बटन पे क्लिक करें। या तो आप टाइम रख लें, और टाइम भी आप सेकंड से लेके 5 सेकंड से लेके 2 सेकंड से लेके दिन रख सकते हैं, 4 दिन, 10 घंटे, 2 माह, 6 माह, 1 साल, 10 साल, इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट रखना है तो आप सेकंड में रख सकते हैं। तो इसकी आप इंस्टॉलेशन का तरीका देख लें, हमने पहले वैसे ऐड कर लिया आई थिंक NPM JWT NPM चलो इधर आ जाए, ये NPM JSON वेब टोकन इंस्टॉल करने के लिए है, NPM JSON वेब टोकन मेरा ख्याल हमने किया था अगर मुझे याद है, देख लेते हैं इधर आ जाए ये, चलो ये तो अच्छा होगा। अच्छा एक और चीज़ हमने यहाँ की हुई है मॉर्गन, चलिए इसको भी यूज़ कर लेते हैं आज, इसका भी यूज़ देखते हैं ये है क्या। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
एप डॉट यूज ऑफ मॉर्गन, मॉर्गन इज यूज टू डीबग HTTP रिक्वायर, एप डॉट यूज ऑफ मॉर्गन, मॉर्गन पे इम्पोर्ट भी करना होता है, कर लिया अच्छी बात है, वो भी कर लिया लें। अच्छा जी, ये इसका मोड होता है, ये आपको तब तक ही काम आएगा जब तक आप कोड को डेवलप कर, यानी प्रोडक्शन मोड में ये यूज होगा। देखे ना, आपने एप्लीकेशन को डीबग कब करना है, जब आप कोडिंग कर रहे हैं, जब एप्लीकेशन प्रोडक्शन लेवल पे चली गई, तैयार हो गई है, तब आपको डीबग करने की जरूरत नहीं है, तब ये वैसे भी काम नहीं है। तो इसके अंदर वो जो ब्रैकेट में लिखा ना डेव, इसका मतलब डेवलपमेंट मोड में ये यूज होगा, इसका फायदा बहुत ज्यादा है। अभी आपको देखें, जब यूज करेंगे ना, ये आपकी कितनी जिंदगी आसान करेगा, जब आप रिक्वेस्ट हिट करेंगे वो आपको, अब जो स्टेटस कोड आपने पढ़े हैं ना, ये उन स्टेटस कोड को हमें दिखाएगा कि आपने ये रिक्वेस्ट ऐड किया तो इस जगह मसला आ रहा है। ये मैंने आपको कहा था, आप इसको पता नहीं क्यों मुश्किल ले रहे हैं, क्यों नहीं याद कर रहे, ये को 8-10 कोड है, इनको काइंडली याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। जिन्होंने याद कर लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो इसको याद कर ले। ये कोड है 2-4-8-10 हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, बाकी तो इतने यूज ही नहीं होते। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा इस पे कमांड होगी, लेकिन बेहतर है कि इसको आप अपने तौर पे भी एक दफा याद कर ले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आप कोड्स की ही मदद से आपकी क्लाइंट साइड हैंडल होगी। मैं सिंपल, अब देखिए मैंने लिखा होगा कंट्रोलर में लिखा होगा, ये देखें, अगर मैं इसको क्लाइंट साइड पे जाके ये कह दूं, अगर तो इसका स्टेटस ओके है, 200 का मतलब है ओके, इसको मैं उधर क्लाइंट साइड पे अगर यूज करूंगा ना, मैं सिंपल कह दूंगा ये स्टेटस डॉट, अगर स्टेटस कोड जो है वो ओके है, इक्वल टू है ओके, तो इसको जनाब नेविगेट कर दो फ्लॉम पे, या आप कह दो अलर्ट दे दो डाटा से, ये क्लाइंट साइड पे करेंगे आप। इस स्टेटस कोड का अगर 400 है तो हम इधर यूआई पे दिखा देंगे कि जनाब बैड रिक्वेस्ट, 404 है तो पेन आर्ट का, ये यूज होंगे क्योंकि अब प्रोफेशनल तरीका यही है। वैसे आप ओल्ड अप्रोच से भी कर लें तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल जो बेटर अप्रोच है वो ये है, मतलब आप जितना भी कोड वगैरह देखेंगे तो आपको इसी तरह का स्नैरियो नजर आएगा। लो ये जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा एक काम कंप्लीट हो आज। अब हमने देना टोकन, यूजर रजिस्टर हो गया, अब मैं लगा करने लगा उसको लॉगिन, तो लॉगिन करने के लिए आई नीड फर्दर, सारा प्रोसेस मुझे खुद करना पड़ेगा, तो हम जाते हैं पहले राउट एक बनाते हैं, राउट 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 एक राउट बना लेते हैं यहाँ पे, राउट पहले ही बना है, इसके अंदर ही एक और ऐड कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, कर रहे हैं पोस्ट लॉगिन रजिस्टर, और ये पोस्ट होगा लॉग, अच्छा लॉगिन के लिए भी पोस्ट ही होगा, क्यों? क्योंकि आप डेटा भेज रहे हैं फ्रंट एंड से, गेट नहीं कर रहे, आप जब ईमेल में अपना नाम देंगे, आप पासवर्ड देंगे तो आप पोस्ट कर रहे हैं, वो उसको वेरीफाई करेगा, सो इसका भी राउट बनेगा पोस्ट, लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे उसका नाम बना लेते हैं। चले पहले कंट्रोलर में जाते हैं, इधर हमने वो वाला कंट्रोलर पास करना है, आप कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ पे जाके हम कर लेते हैं, ये तो बन गया 1000, चले इसको साइड पे कर दें, इधर लिख दें रजिस्टर कंट्रोलर लॉग, इधर आ जाएं, हम इसको एक्सपोर्ट इधर कर रहे हैं इस तरह, तो काम खराब हो जाएगा, इस तरह कर लें इसको एक्सपोर्ट, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब काफ़ी अगर कंट्रोलर बनाने हैं, अगर मैंने ये वाला काम इधर कर दिया तो राउटर के अंदर अब एक्सपोर्ट इस तरह हो, ये ठीक है, चलो ओके हो गया जी। अब आए कंट्रोलर में, अब मैंने नेक्स्ट कंट्रोलर बनाना है लॉगिन कंट्रोलर, अब देखें अगर मैंने मल्टीपल कंट्रोलर बनाना है तो मैं कैसे उनको अलग अलग एक्सपोर्ट साथ ही करते रहें, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन कंट्रोलर,
टाइम से नहीं कर सकती है। इधर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दें, इसको एरो फंक्शन बना रहे हैं और ट्राई कैच ब्लॉक दें। कैच में हम उसी तरह कंसोल डॉट लॉग एरर दे दें इसको, अगर कोई एरर आ रही है। और यहाँ पे आप रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर दें उसका 500 डॉट सेंड कर दें। क्या सेंड करेंगे आप उसको? सक्सेस तो ऑब्वियसली जब फॉल्स हो जाएगी उसकी, अगर वो लॉग इन ही नहीं हो रहा प्रॉपर तो सक्सेस फॉल्स है। और यहाँ पे आप कह देंगे जी मैसेज एक जनरेट कर दें एरर इन लॉगिन, चलो ये भी ठीक है। और यहाँ पे एरर को एज ए ऑब्जेक्ट पास कर दें, ये उसका एल्स पार्ट है, सम ट्राई क्या है। यहाँ पे आप सारी लॉजिक लिखेंगे। अब आपको फ्रंट एंड से आएगा क्या, इसको एसिंक का वेट भी बना दें। क्या आएगा फ्रंट एंड से, तो क्या है लॉगिन की दो चीजें ही चाहिए होंगी ना सारा, वो थोड़ा कि दोबारा भी बेचारा नाम एंटर करे, एड्रेस एंटर, अब ईमेल और पासवर्ड जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ईमेल और पासवर्ड को डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ, ईमेल और पासवर्ड को मैं निकाल लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। ये लो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर नीचे वो आ रहा था कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल, वो क्या किस तरह? सर वो आप जीरो लाइब्रेरी है, आपने पहले ही पूछ लिया, वो आपको मैंने एंड में बताना था। आठ जीरो इसके लिए लाइब्रेरी हमें बना दी जिससे मर्जी लॉग इन करें। ये देखो बना हुआ कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद ऑफिस, ये उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है जिसके साथ मर्जी यूज करें। कंटिन्यू विद गिट हब, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, ये बड़ी मजे की चीज़ है, इस पर आप परमिशन दें। लेकिन ये उन्होंने बना के रखी हुई है, इसका ना काफी अगर जब आपको ऑथेंटिकेशन की समझ आएगी ना तब इसको यूज कर सकते हैं, बेहतर है। आपकी गूगल से करना है, गिट हब से करना है, जीमेल से करना है, फेसबुक से करना है, ये सारे के सारे मेथड आपको बाय डिफॉल्ट दे देगा। इसको घर जाके स्टडी कीजिएगा, और बनाने का तरीका भी उन्होंने सीधा सीधा इधर ही लिखा हुआ है, आपने जस्ट कोड कॉपी पेस्ट ही करना है। लेकिन तब कॉपी पेस्ट करने का भी फायदा होगा जब आपको एक्चुअल स्टोरी की समझ आएगी, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा तब तक आप कोई काम नहीं करते। देखिए ये भी टोकन शोकन जनरेट करता है, ऑथ जीरो, हाँ ये काफ़ी काम आता है जब टाइम आपने पहचाना है। ये आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशन के साथ बाय डिफॉल्ट लॉगिन करने की एक्सेस देता है, क्योंकि इनका मुआहदा हुआ हुआ है इन कंपनियों से। लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद जी सी, पता नहीं जो भी रहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट किसी ने इससे काम किया हुआ है। तीन चार किस्म के जो मेजर प्लेटफॉर्म है ना उन पर बाय डिफॉल्ट इन्होंने आपस में इंटरलिंक किया हुआ है। ऑथ जीरो घर जाके इसको पढ़िएगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जब ऑथेंटिकेशन समझेंगे तो ये वाली कहानी समझ आएगी, क्योंकि इसके अंदर भी टोकन और एक्सेस लेवल है। इधर आ जाएगी लें, यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि जी अगर तो इफ यूजर फेल्ड टू प्रोवाइड एनी प्रॉपर्टी या फील्ड, तो हम उसको मैसेज दे देंगे। इफ दोनों को इकट्ठे ही दे दें, नॉट ईमेल, अगर उसने ईमेल भी नहीं दिया या पासवर्ड भी नहीं दिया तो हम उसको कह सकते हैं अगर नॉट पासवर्ड। इधर रिटर्न उसको कर दें रिटर्न, रिक्वेस्ट फेल होगी, आप रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे दें उसको, पेज नॉट फाउंड तो नहीं कह सकते। एक सेकंड, हाँ जी सर जी, हाँ जी हाँ जी,
ये वाली नोड मेलर यूजर को भेजनी है मेल, तो उसके लिए उन्होंने एक अलहदा लाइब्रेरी बनाई है नोड मेलर। आप पासवर्ड गेट कर रहे हैं, पासवर्ड को रीसेट करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। या पास मिसाल है, देखें आप कोई ब्रांड से चीज परचेज करते हैं तो आपको कैसे ईमेल फॉरन आ जाती है, यू सक्सेसफुली प्लेस दिस आइटम, आपकी जनाब ऑर्डर की समरी ये है, आपको ये वाली चीज़ 3 से 5 दिनों में घर में पहुंच जाएगी, फौरन मैसेज आ जाता है। अगर आप रिएक्ट में करेंगे तो ये लाइब्रेरी है आपके लिए। इसी तरह पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड रीसेट पासवर्ड को भी इसके अंदर मेल सेंड करा के आप एक लिंक जनरेट करते हैं। आप उधर उस पर क्लिक करेंगे, ये रीसेट पासवर्ड या फॉरगेट पासवर्ड, ये मेल जनरेट करता है, मेल आपको इनबॉक्स में आएगी, वहाँ पे कहेगा क्लिक हेयर टू रीसेट योर पासवर्ड, वो क्लिक करेंगे तो आपसे नया पासवर्ड पूछेगा। जब नया पासवर्ड ऐड करेंगे तो वो फिर MongoDB में जाके आपका पासवर्ड पहले वाला अपडेट कर देगा, फिर हम उसके लिए अलग लॉगिन की पड़ती है। वो बिल्कुल उसी तरह है पोस्ट की जगह, यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये पासवर्ड रिप्लेस करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का मैथड क्लियर कर देना, रिप्लेस करते हैं, डिलीट नहीं करते, रिप्लेस, जावास्क्रिप्ट का ये मैथड है रिप्लेस, जावास्क्रिप्ट रिप्लेस। या आपने पढ़ा नहीं रिप्लेस यार, वैसे ही दूसरे तीसरे लेक्चर का टॉपिक होता है जो स्ट्रिंग के मेथड होते हैं रिप्लेस। ये लो, मैं माइक्रोसॉफ्ट को W3 School से बदलना चाहता हूँ, ये पुराना पासवर्ड है, अब जो नया यूजर ऐड करेगा वो ये हो जाएगा, तो अब जब उसको नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये वाला पासवर्ड वैसे ही इग्नोर हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा, तो वो जब लॉग इन करेगा ये रिप्लेस। ये जावास्क्रिप्ट का है, देखें कोर जावास्क्रिप्ट दूसरा टॉपिक होता है, बल्कि पहले में ही मैं तो करवा देता हूँ ये वाला स्ट्रिंग करवाई, उसके साथ ही इसके कोई 15-20 मेथड है, टेस्ट को बड़ा कैसे करना है, कोई चीज़ फाइंड कैसे करनी है, उसका इंडेक्स कैसे फाइंड करना है, क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग किसी खास चीज़ से स्टार्ट हो रही है, किसी खास चीज़ पे एंड हो रही है, पार्ट्स को ट्रंकेट करना, उनकी लेंथ सर्च करना, स्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के बेतहाशा मैथड है, और स्ट्रिंग पहली डेटा टाइप है आपकी, स्ट्रिंग मैथड इन जावास्क्रिप्ट, ये देख लें आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ये सारे स्ट्रिंग हैं, ये स्ट्रिंग के मेथड हैं, 3 डेटा टाइप पढ़ी होंगी ना आपने बेसिक, नंबर स्ट्रिंग और बूलियन, ये स्ट्रिंग के इतने मेथड हैं, स्लाइस और सप्लाइस भी तो पढ़ा है ना आपने, तो ये उसके अंदर रिप्लेस भी है, वो ओल्ड पासवर्ड को नए से रिप्लेस कर देगा, ये लॉजिक हम बैक एंड पे लिख देंगे। ले जी वापस आते हैं, इधर आ गए, चलो ये तो होगी टेंशन खत्म। ओके, अब अगला सिनेरियो क्या होगा, अगर वो ईमेल भी दे देगा तो पासवर्ड भी दे देगा। सर जी उमर साहब इधर बिजी चारे को कहते हैं, अगर वो ईमेल या और वो ईमेल भी दे रहा है पासवर्ड भी दे रहा है, अब आपके पास अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, लॉगिन हो जाएगा कैसे, अगर वो आपको क्या पता है कि उसने पासवर्ड सही दिया है या नहीं, मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि उसने पासवर्ड और ईमेल प्रोवाइड किया है, ये मैं नहीं कह रहा कि उसने पासवर्ड और ईमेल सही दिया है, क्योंकि हमने कल दो चीज एक मॉडल बनाया था ये वाला, ये किस लिए बनाया है, ये पासवर्ड हैश किया है, वो तो एडमिन एंटर करेगा लॉगिन से, हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड, डेटाबेस में ये पासवर्ड पड़ा हुआ है, इसको आप कंपेयर करें क्या उसका दर्जशुदा पासवर्ड मेरे पास पड़े हुए पासवर्ड से मैच करता है, वो अपना एल्गोरिदम चलाए, ये एड्रेस के थ्रू, हाँ हेडर्स के थ्रू हमने उसका बनाया हुआ है भाई, ये देखो फंक्शन बना दिया, ये वाला फंक्शन इधर कॉल कर लेंगे सिंपल, इधर आ जाए कंपेयर पासवर्ड, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंपेयर पासवर्ड, ये ऊपर आ गया, लो जी टेंशन ही कॉल, कंपेयर जब करना है तो उसको क्या करना है, आपने दो चीजें देनी है, याद है कि नहीं यार, यार ये देख लें फंक्शन देख लें, इधर देखने एक प्लेन पासवर्ड देना है और एक हैश पासवर्ड, प्लेन पासवर्ड तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ये मिल गया पासवर्ड, लो जी इसको पकड़े, ये इसके हवाले का है, अब हैश पासवर्ड किधर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये एक यूजर है, अगर आपको याद हो इधर आएंगे देख, हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, तो मैं ये करता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर डॉट पासवर्ड, लेकिन उसको मिलेगा कैसे, ये तो फंक्शन ही लग गया लॉगिन का,
तो इसके अंदर भी हम पहले इसको फाइंड करते हैं, इसको इधर ये एक सेकंड के लिए रोकते हैं, पहले मैं डेटाबेस में जाके मैच करता हूँ, ये यूजर ढूंढता हूँ कि ये यूजर पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ जी यूजर मॉडल का नाम, यूजर मॉडल डॉट फाइंड, यूजर एक ऑब्जेक्ट का नाम था, यूजर डॉट पासवर्ड, जो भी यूजर आएगा उसका पासवर्ड मैच करें। हाँ लेकिन कैसे मैच करेंगे, आइडेंटिफाई यूजर को कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई ना कोई की रखेंगे ना, ईमेल की बेस पे कर लें, आईडी की बेस पे कर लें, और कोई ना कोई तो कहानी लिखनी पड़ेगी ना, ईमेल कर लेंगे, कोई ना कोई चीज ऐसी तो रखनी पड़ेगी ना जो लॉगिन करे उसी का पासवर्ड मैंने मैच करना है। ये थोड़ी मेरे पास डेटाबेस में लाखों रिकॉर्ड होंगे, कोई एक चीज इसकी पकड़ के मैं वो वाली यहाँ पे फाइंड करके इसको कहूंगा, इसको फिर फाइंड वन करें, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड ना करते फाइंड वन करें, और यहाँ पे इसको वेट कर दें, और यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, और हमने जो कि नाम यूजर रखा है तो इसका नाम भी यूजर ही रख लेते हैं, ये वाला यूजर अब इधर मैंने बात कर दी। यहाँ से पहले वो फाइंड करेगा ईमेल की बेस पे, जहाँ वो मैच कर जाएगा तो अब अगला स्टेप करेंगे, लेकिन इनकेस अगर वो मैच ही नहीं करता तो पासवर्ड ही नहीं उसको मिल रहा, फर्ज करें यहाँ पे हमने पहले यूजर ढूंढा, हम कंपेयर करने जा रहे थे, यूजर पहली दफा आया उसको ये पता ही नहीं था कि वो रजिस्टर हुआ है कि नहीं, देखे ना मैं वेबसाइट खोली, मेरी याददाश्त कह रही है कि यार मैंने ना गिट आपके अकाउंट बनाया था, अच्छा ठीक है चलो बनाया, ट्राई मारते हैं, मैंने ईमेल एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, ऑब्वियसली हो सकता है पासवर्ड गलत हो, मैंने फॉरवर्ड पे करने की कोशिश की, उसने कहा भाई जानी ये तो ईमेल ही एग्जिस्ट नहीं करता, आप फॉरवर्ड के चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं, पहले तो आप अपना अकाउंट बनाए, आपका तो अकाउंट ही मौजूद नहीं है, पासवर्ड मैच होना तो बाद का स्टेप है, इस स्टेज पे भी ये मरहला वो था जब उसने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, दोनों स्टेप खत्म, अब आगे आया हमने देखा कि यार ये पासवर्ड इसको मैच करते हैं, जब मैं पासवर्ड मैच करने लगा तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड मैच करने के लिए दो पैरामीटर पास करने पड़े, पासवर्ड और हैश पासवर्ड, ओके दे दिए, और जब पासवर्ड मैच करने गया उसने कहा यार पहले जाके देखूँ तो सही ये जो चीज़ें मैच करवाने की कोशिश कर रहा है क्या ये रिकॉर्ड में है अभी कि नहीं, तो जब रिकॉर्ड में गया तो उसको यूजर ही नहीं मिला, अब उस पर आप यहाँ पे पहले इसको चेक करें, इफ नॉट यूजर, अगर यूजर है ही नहीं तो इसको आप रिटर्न कर दें रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, उसको एरर दे दें 404 दे दें डॉट सेंड, और सक्सेस ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगी, और मैसेज उसका आ जाएगा नो सच रिकॉर्ड अवेलेबल प्लीज रजिस्टर फर्स्ट। हाँ आप इसको कह सकते हैं तो भैया आपका तो रिकॉर्ड ही नहीं है, हाँ अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है, अब ये वाला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं फाइंडिंग यूजर वेदर अवेलेबल इन डेटाबेस और नॉट, चलो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंपेयरिंग पासवर्ड, क्योंकि अगर इस स्टेप से ये मैंने नॉट इसलिए लगाया क्योंकि अगर वो नहीं है तो उसको मैसेज दे दें, और दूसरा सिनेरियो क्या होगा तो वो मौजूद होगा ना, या तो है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको मैसेज दे दो, अगर मौजूद है तो उसको कंपेयर कर दो, ये कंपेयर कर लेते हैं इसको, लेट मी कौन सी करते हैं इसको दे देते हैं मैच पासवर्ड, मैच अवेट कर सकते हैं प्रॉब्लम, ओके अब अगर यार एक इतना अहम टॉपिक मेरा फिर दिमाग घूम जाए ना इधर उधर, मुझे भी समझ नहीं आना है, और सबसे सेंसिटिव टॉपिक है ये वाला, ये कोई भी नहीं इसको हार डाल सकता, जो है ना टोकन ऑथेंटिकेशन आप जितने मर्जी लेक्चर देखे नहीं करो, तो एक आध चार टीचर करवाता हो, फिलहाल मुझे तो नहीं मिला। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास सिनेरियोज आ गए फिर दो, अगर पासवर्ड मैच कर गया मैं लॉग इन हो रहा हूँ, ये सारी कहानी देन में रख के क्लास में आपने मौजूद होना, हम कर क्या रहे हैं एंड पे कहें सर हमने इतना कोड कर भी किया गया,
हम लॉगिन कर रहे थे उस दौरान हम ये सारे स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं। पहले देखा उसने जो चीज़ें प्रोवाइड की नहीं की, हमने उसको उधर ही हैंडल कर दिया। जब मैच करने की बारी आई हमने उसको वो वाला काम भी कर दिया, मैच करवा दिया, अगर है तो ठीक है नहीं तो उसको कहा जनाब अब अगला स्टेप, अगर उसका पासवर्ड मैच कर जाता है, पासवर्ड उसने दोनों चीज़ें भी प्रोवाइड की, ईमेल और पासवर्ड, पासवर्ड मैंने डेटाबेस में जाकर मैच किया वो मैच भी हो गया, अब उसको तो लॉग ही नहीं करा सकते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। आपने पहले इसको अगर आप अगर फर्ज करो पासवर्ड मैच नहीं करता, एक तो पहले एरर जनरेट कर देना, इधर इसको फर्क कर दें, हो सकता है पासवर्ड ही ना मैच करे, अब कोई पता नहीं। रिस्पॉन्स डॉट मैं कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, उसको क्या कह सकते हैं, एरर कौन सी आएगी अगर मैच नहीं किया, तो डज नॉट मैच, उसका स्टेटस कोड भी तो देना है ना, 401 यहाँ पे सक्सेस फॉल्ड हो जाएगी और मैसेज जनरेट कर दें इनवैलिड पासवर्ड, बस चलो ये तो टेंशन खत्म। अगर पासवर्ड ठीक हुआ अब यहाँ पे आप टोकन जनरेट करेंगे, जनरेट टोकन इफ एवरीथिंग इज ओके चलेंगे। अब यहाँ पे ये वाला कोड आपको थोड़ा टोकन लेने के लिए पहले वाली प्रोसेस है जो हमने पहले उसको रजिस्टर किया, वो स्टेप बाय स्टेप हम उनको चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसको टोकन देंगे। टोकन देना है तो हमें जेसन वेब टोकन को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल है जेसन वेब टोकन। इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक तो पहले आपने टोकन उसको देना है असाइन करना है, वो उसको हम इसकी टेक्निकल टर्म में देखें तो उसको कहते हैं टोकन साइन करना है, पेंसिल से चीज़ें साइन करते हैं, टोकन साइन कर दें बाद में फिर उसको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए आपको एक सीक्रेट की भी रखनी पड़ती है जिससे ये आइडेंटिफाई हो कि ये जो बंदा टोकन लेके आ रहा है इसके पास की पड़ी हुई है, अभी उसे हम एक की भी देते हैं। और जब सीक्रेट इंफॉर्मेशन को बनानी है तो हमें ये बनाया हुआ है, ये देखें JWT _ में कह देता हूँ सीक्रेट, चलो एक सीक्रेट की ये कोई भी आप बना सकते हैं, JWT की कर दें इसको, ये की जो है जब वो जिसको टोकन मिलेगा उसकी की अलग होगी। हाँ और वैसे भी टोकन और की दोनों की सेम नहीं हो सकती, फर्ज करो की साहब की सेम भी हो जाए, मिसाल है आपको कैसे पता चलेगा, ये टोकन है ये उसी यूजर को मिलनी जिसने लॉगिन होना है, इसीलिए वो कहते हैं कि आपको पासवर्ड जो है किसी और को पता चल जाए, या आपके ईमेल और पासवर्ड को बगैर बंदा जाने इस तरह लॉगिन हो सकता है, वो वही लॉगिन होगा जिसको क्रीडेंशियल्स का पता होगा, और जब वो क्रीडेंशियल देगा तो वो टोकन भी वेरीफाई करेगा। ये ले कुछ इस तरह की कोई भी की बना ले, कोई ये फिक्स नहीं कि आपने यही पैटर्न रखना, जो मर्जी बना ले। और ये देखें ये की मैंने मर्जी से रखी, ये अब मुझे ही पता है, या जिसके पास ये पूरे का पूरा सिस्टम है उसको पता है, उसको फिर ये टोकन का उसको भी नहीं पता चलेगा कि टोकन के साथ क्या हो रहा है, इसलिए तो इतना सिस्टम सिक्योर होता है। जब देखे ना जीमेल इस तरह, तो अगर डेवलपर हैं इधर बैठे बैठे ही वो सारा जीमेल ही हैक कर लें, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इतने क्यों डेवलपर हाईली पेड रखते हैं ताकि उनका डेटा ब्रीच ना हो। इवन के पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको आप हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट, जिनके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये जो बिटकॉइन का काम है या जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है ना वहाँ पे टीमें बोल रही हूँ कि साइबर सिक्योरिटी की पूरी एक लंबी चौड़ी दुनिया है, नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, हमसे ऊपर भी एक दुनिया है। पहले यूज़र आपके पास आएगा ही कैसे, अनऑथराइज एक्सेस ही अलाउड नहीं है, उसको तो बाहर बाहर से भी भगा देंगे, खुदा ना होता कोई बाय सम हो, यहाँ इस लेयर तक ही आना मुश्किल है, इस लेयर तक भी आ जाएंगे ना तो अभी आप इस की को देख रहे हैं, जब हमने साल्ट राउंड चलाया है ना रजिस्टर होने के लिए, और 10 राउंड चलाए हैं, पहले उसको डीकोड करें वो 6 महीने उस पर लग जाएंगे, वो पता नहीं लकीली कार भी ले तो ये टोकन में आके बंदा फंस जाएगा। ये उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सिक्योरिटी रखी हुई है, इतना आसान नहीं है कि आप कहें कि ये बस ऐसे ही हम लिख के अपनी जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन ये आपने एक सीक्रेट की रख दी, यहाँ पे आके अब हम टोकन की कहानी लिखते हैं। इधर भाई टोकन के लिए आपको पहले उसको टोकन देना पड़ेगा, तो उसको दे देते हैं, इसको किसी वर्ड शॉर्ट में स्टोर करते हैं ताकि मुझे ये
यूज करना आसान है, इसको बंद कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर, ऑट कंट्रोलर चाहिए मुझे, इसको बंद कर दें, ठीक है, इसको कंट्रोलर में लिख रहे हैं हम। तो इधर आके मैं जेसन वर्ब इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इतना बड़ा वर्ड क्या करना है, मैं बार बार इसको यूज करना है, जे डब्ल्यू टी रख लेते हैं, ये वेरिएबल का नाम है जो मर्जी रख लें, ये ठीक होना चाहिए। लो इधर आ रहे, इसके अंदर मेथड है आपका जे डब्ल्यू टी डॉट साइन, ये अब मैं इसको चीजें साइन कर रहा हूँ टोकन, ये तीन चीजें लेगा आप, कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है उसी यूजर की आईडी मैच करो। ये मेरे पास डेटाबेस में आईडी पड़ी हुई है, ये यूजर मैंने इधर फाइंड किया, अभी जो यूजर लॉगिन हो रहा है ये मैंने ढूंढा, वो उसके ईमेल से ढूंढा, उसकी एक चीज यूनिक है, क्योंकि अब मेरे पास आईडी डेटाबेस के अंदर हर यूजर की अलग अलग है, इसकी अलग है, ये यूनिक आईडी है, जहां पे वो मैच कर जाए उसको आगे मैंने दूसरी चीज असाइन करनी होती है। अगर मैं ये जे डब्ल्यू टी की निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूंगा, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, ये तो आपको याद होना चाहिए ना, ये लो। और तीसरा आपने यहाँ पे बताना होता है इसको कितनी देर में टोकन एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर्स इन, मैं कहता हूँ जी ये फिलहाल अभी उसको कर दो डे में रखना है तो वन डी कर लें, और सेकंड में रखना है, मिनट्स में नहीं रख सकते, नहीं सेकंड में रख सकते, मतलब आपने 5 मिनट बनाने हैं और 300 सेकंड के लिए, आवर्स में रख सकते हैं 1H, डे में रख सकते हैं 1D, 1 ईयर इस तरह रख सकते हैं, लेकिन मिनट्स में नहीं रख सकते। आप उसको एक दें ही टेम्परेरी टोकन, पक्का टोकन ही ना दें, वो अगर एक दफा टोकन उसको दे दिया ना, वो जब लॉग आउट करेगा उसकी कहानी खत्म, नेक्स्ट टाइम उसका टोकन ही ना जनरेट करें उस स्पेसिफिक यूजर का। आपके पास हर यूजर की पूरी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ईमेल पड़ा है, उसकी आईडी पड़ी है, अब वो जो दोबारा लॉग इन होगा उसको आप अलाउ ही ना करें, टोकन ही ना दें पहले रिकॉर्ड, आप जब लॉगिन करने आएगा आप देखेंगे क्या ये यूजर पहले टोकन ले चुका है, अगर ले चुका तो उसको कहीं निकल जाओ, वन टाइम पासवर्ड इस तरह कर सकते हैं। उसके लिए और भी बेहतर अच्छा लाइब्रेरीज है, ये सबसे सिक्योर लाइब्रेरी है ये वाली, क्योंकि ये दुनिया में यूज हो रही है। लें जी इसको ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें टोकन के अंदर, हमने कर दिया अच्छा, इक्वल नहीं लगाया अभी, लो जी उसको हमने दे दिया टोकन, अब वो टोकन उसको जनरेट कर दिया उन्होंने, अब क्या करें, ले जी ये उसको टोकन हमने जनरेट करवा दिया, ठीक है, अब उस टोकन के बदले
वो लेके जाके इसके साथ जो मर्जी करे, जब वो लॉगिन हो जाए तो मैं एक रिस्पॉन्स जनरेट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 कर दें या जो मर्जी कर दें, ओके कर दें, डॉट सेंड करें आप, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें जो लॉगिन यूज़र कर रहा है उसको आप सक्सेस ट्रू कर दें, मैसेज दे दें लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और साथ में इसको एक काम और करें, उसको यहाँ पे यूज़र पूरे का पूरा भेज दें यूज़र, ताकि अगर आपने कल को प्रोफाइल बनानी है ना, तो वो प्रोफाइल के अंदर ये प्रॉपर्टी भी उसको भेज दें। नेम के अंदर आप उसको क्या दें, यूज़र डॉट नेम, क्योंकि यूज़र लॉगिन कर रहा है ना थ्रू ऑब्जेक्ट। ईमेल के अंदर उसका यूज़र डॉट ईमेल दे दें, और था ईमेल पासवर्ड तो वो हैश हो चुका है, फ़ोन और एड्रेस, फ़ोन यूज़र डॉट फोन, ये सिर्फ उसके साथ प्रॉपर्टी भेज रहा हूँ जब लॉगिन कर रहा है कि ये यूज़र लॉगिन कर रहा है। अब आपने डैशबोर्ड पे उसकी इंफॉर्मेशन भी दिखानी है ना, तो वो आप ये प्रॉपर्टी लेके इसको यूआई पे डिस्प्ले कर सकते हैं, जब यूज़र लॉगिन कर रहा है मैं साथ ये प्रॉपर्टी उसकी भेज रहा हूँ। और आपकी लास्ट वाली रहेगी जनाब एड्रेस, चलो इधर आ, सर जी जो यूज़र लॉगिन कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी है आपने, नहीं दिखानी ना दिखाओ खत्म होगी कहानी। फर्ज करो आपने प्रोफाइल बनानी है क्लाइंट साइड पे, तो कैसे बनाओगे उसकी प्रोफाइल, सिर्फ उसी यूजर की जो लॉगिन कर रहा है, कैसे बनाओगे, सिर्फ स्पेसिफिक उसी यूजर की। तो जो यूजर लॉगिन कर रहा है जिसको टोकन मिल चुका है, मैं उसी यूजर की प्रॉपर्टी, मेरा यूजर कहाँ से मुझे मिला था ये देखें, फाइंड किया मैंने, फाइंड किया यूजर, उसी नेम के अंदर मेरे डेटाबेस में पड़ा नेम, उसी यूजर का मैं नाम प्रिंट करा दूंगा, उसी यूजर का ईमेल प्रिंट करा दूंगा, उसी का फोन, उसी का एड्रेस, ये आपको नीचे नजर आएगी प्रॉपर्टी कि ये वाला यूजर लॉगिन हुआ है, ये उसकी प्रोफाइल है। इसका ये फायदा होगा कि कल को आप प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपको क्लाइंट साइड पे काम देगा। जब यूजर लॉगिन हो चुका है ना, तो आपने यूज़र की प्रोफाइल का सेक्शन भी बनाना होता है। फर्ज करें आपने ई कॉमर्स पे कोई डैशबोर्ड बनाया है, आप देखें ना जब लॉगिन करते हैं आपकी तस्वीर लगी है, नाम ईमेल आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ से लेंगे, वो ये वाला काम है सर। हाँ वो ये वाला जो यूज़र लॉगिन करेगा उसकी मैं ये चार प्रॉपर्टी भेज रहा हूँ साथ, इनको बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ना भेजें कोई मसला नहीं, फिर आपको एक और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि हमने फाइंड फूड कर लिया, ये स्पेसिफिक वही यूज़र होगा जो लॉगिन हुआ, वो मल्टीपल लेयर से गुजर के आया है, उसने पासवर्ड चेक कराया, हमने कंपेयर पासवर्ड किया, उसी को टोकन मिला, जिसको टोकन मिला उसी यूजर की डिटेल आगे मैं भेज रहा हूँ, और यूजर डॉट एड्रेस, और बाद में इसको आप ये वाला टोकन भी भेज दें, ये टोकन भी एज ऑब्जेक्ट पास कर दें, लो उसके साथ एक टोकन भी अटैच कर दें, तो जी होपफुली इतना कोड हमने लिख दिया आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे, अब देखते हैं इसके रिजल्ट क्या बनते हैं। वन बाय वन टेस्ट करें जी, लें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसको कॉपी करें, बल्कि पहले एक राउट ही नया बना लें। हाँ अंधाधुंध कोड लिख रहे हैं, सुबह से पता चले शाम तक अब एरर पर, असल काम अब स्टार्ट होना है। हाँ लेकिन ये वाला हमने इधर तो कॉल तो किया ही नहीं, इधर आ जाए राउट में, यहाँ पे आप कंट्रोलर भी तो देना भाई, क्या नाम है उसका, लॉगिन कंट्रोलर, ये ले राउट में दे दिया, अब टेंशन एक साइड से कंप्लीट हो गया। अब आए ऑथ डॉट लॉगिन स्लैश लॉगिन किया, इसके अंदर मुझे अब सारी चीज़ें नहीं भेजनी, बॉडी के अंदर जाता हूँ मैं, रॉ डाटा में जेसन के अंदर सिर्फ दो चीज़ें देनी है भाई हमने,
ये लॉगिन करते हुए ये दो ही देंगे ना, पहले देख लें कि हम कोई ऐसा कोई बंदा पकड़े जिसका हमें डाटा सही मिले। अली कही चलो ये ठीक है, अली एट द रेट जी मेल। अब इसका हमने पासवर्ड पता नहीं क्या उसमें रखा था, क्या रखा था पक्की बात है यार। एक नया यूजर ही बना, नहीं यार चलो इधर नया बना लेते हैं, बाद में फिर तंग होंगे। बल्कि इधर ये देखे ना ABC रखा होगा, इमरान देना जी मेल। फिर उसने कहना था पासवर्ड गलत, क्योंकि वो हैश हो चुका है, वो हमने खुद ही किया है। अब ये उस बंदे को ही पता है जिसने ये अपना अकाउंट बनाया है। अब देखना ये बेवकूफ़ी कर देगा, अपना पासवर्ड और ईमेल बता दे और कल को रोना स्टार्ट कर दे सर मेरा अकाउंट हैक हो गया। बेवकूफ़ आपको किसने कहा ईमेल और पासवर्ड दे। अक्सर मेरे पास इश्यूज आते हैं, फेसबुक पे वो पेज बनाया, बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट किया, दोस्त को दिया यार मेरा इसको हैंडल करना, अच्छा बनाना। वो 6 महीने बाद वो वाला अकाउंट ईमेल चेंज करके अपना लगा देता है, फिर रो रहे हैं क्या सर अब हम, उसने मेरा मोबाइल भी बदल दिया, ईमेल भी बदल दिया और रिकवर करें। फेसबुक के पास इतना टाइम है कि वो आपके अकाउंट पे तवज्जो देगा, आप उनकी हेल्पलाइन पे ईमेल भी करेंगे तो उनके एक सेकंड में कितनी क्यूरीज आती हैं। ये आपकी मिस्टेक है, वो डेली आपको अलर्ट देते हैं कि अपनी सिक्योरिटी प्राइवेसी को मतलब ना शेयर करें दूसरे से। बहरहाल इधर आते हैं, यहाँ पर मैं इन केस पासवर्ड ABC की बजाय ना 123 लेने लगा। अब पहले सर्वर को स्टार्ट कर लें, सर्वर स्टार्ट है, कोई एरर नहीं आई था सर, आराम को नहीं। वैसे इतना कोड लिखने के बाद एरर नहीं आई तो मतलब शायद सही लिखा हो। लो जी पोस्ट है, रजिस्टर API या लॉगिन है, सेंड करते हैं। अब भाई मैंने जान भी पासवर्ड गलत दिया है ना, अब करते हैं ABC जो एक्चुअल पासवर्ड, इसको सेंड करते हैं। लो अब पढ़ें ये वाला, मैं आपको कह रहा था ये आ गया यूजर, इसको यूज करके जो मर्जी करें। और देखें कितना बड़ा टोकन मिल गया, अब ये कल को हम वेरीफाई करेंगे तो कितना बड़ा टोकन उसने जनरेट कर दिया। इसको पकड़ के अब जब हम इस टोकन की बेस पे अब उसको एक्सेस देंगे, आप कहेंगे हम उसको एक दो पेज बनाएंगे, उसको कहेंगे जनाब आपके पास एक्सेस ही नहीं, पहले इसका रोल बदलेंगे। अगर तो उसका रोल जीरो है, पहले तो जीरो पे कहेंगे ना लिमिटेड एक्सेस। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो 1 के साथ हम उसको क्या एक्सेस देंगे, ये अब हम नेक्स्ट लेवल पे डिफाइन करेंगे ये चीज़ें। ये काम काफ़ी लेंथी हो चुका है क्योंकि आपने इसको समझने के लिए मेरे लिए तो कोई मसला चुप करके, हालांकि मैं किसी और जिस दुनिया में इस वक्त पहुँचा हूँ, फिर भी ऐसा ऐसा कोड लिखते ही जा रहा हूँ। ये उम्मीद थी कि मुझे इसमें बेताशा गलतियाँ होंगी, लेकिन ये हमारी गुड लक है कि वो सही हो गया। हाँ नहीं नॉर्मल है कोड, आप लिखे कोड के अंदर क्या कॉमे शोमे की गलतियाँ होती हैं, बस इनका वर्ड बनाया। अगर आपको लॉजिक तो वही है ना, हमने स्टेप बाय स्टेप उसको करते गए हैं, ठीक हो गया। वो छोटी मोटी गलती आती है, कोई ज़्यादा नहीं, ये प्रैक्टिस है आपकी। ये पता नहीं टोकन ऑथेंटिकेशन में कितनी दफ़ा कर चुका हूँ, तो मेरा एक स्लो बना हुआ है चीज़ों पर। मैं नेक्स्ट टाइम भी पढ़ाऊँगा तो मैंने थोड़ा इसको देखना है अपने आपके कोड को। अब इस टोकन को पकड़ के हम वेरीफाई करेंगे, आप देखना स्टेटस भी हो गया ओके। ये वाला मैंने यूज़र भेजा जो आप पूछ रहे थे, हाँ अब इसके मेरे लिए आसान है। जो यूज़र लॉगिन होगा ये वाली प्रॉपर्टी प्रिंट करके मैं उसी की प्रोफाइल पे शो कर सकता हूँ कि आपका नाम ये है, आपका जनाब ईमेल ये है, फ़ोन ये, एड्रेस ये है, उसकी प्रोफाइल का सेक्शन बांध दें। वो मल्टर की सर लाइब्रेरी मैंने आपको बताया था, उसमें स्लो बाय स्लो चलें, मल्टर पे 3 दिन लगने हैं पूरे। हाँ जी इतना आसान ही सबसे, उसके लिए 3-4 नए अप्रोच हैं। मैं आपको कोर जो एक्चुअल बनाया ना नोड ने वो पढ़ाऊंगा, उसके लिए लाइब्रेरी अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं घर से एक दफ़ा स्टडी करके आए, वैसे उसके कई अप्रोचेज आ गई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बाय डिफॉल्ट उन्होंने इसके लिए तरीका बताया आपको वो मल्टर है। इसका काम ही यही है, पिक्चर अपलोड करना, फाइल अपलोड करना, PDF अपलोड करनी है, वर्ड फाइल करनी है, डॉक फाइल करनी है, उसकी टाइप बतानी पड़ती है आपको। इधर इसकी टाइप कहीं ना कहीं आ रही होगी डॉट फॉर्म, ये हमेशा ही कंफ्यूजिंग चीज़ें लिखते हैं, लिहाजा मुझे तो इनकी समझ नहीं कभी आई। ये चीज़ें आप उसके साथ रख सकते हैं, फाइल नेम, डेस्टिनेशन, साइज, मीम टाइप, इनकोडिंग, ओरिजिनल नेम फील्ड। और कितना, बल्कि आपने अक्सर देखा होगा 1 MB से पिक्चर बड़ी करें तो कहता है भाई जान इसको 500 KB से बढ़ानी है, मिलेंगे साइज रख सकते हैं। अगर आप उन्होंने मांगी PDF हुई, आप वर्ड की फाइल अपलोड कर रहे हैं,
वो कहते हैं नहीं पाइथन ओनली पीडीएफ विल बी एक्सेप्टेड। उन्होंने जेपीजी कहा होगा आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं आप जेपीजी ही अपलोड करें। वो सारी सेटिंग इसके अंदर होती है, पूरी लाइब्रेरी बनी है इस काम के लिए। मल्टर इसके लिए एक नया तरीका भी आ गया है, क्लाउडनरी, ये फ्री आपको स्पेस मिल जाता है ऑनलाइन अगर आपने कुछ चीज़ें अपलोड करनी है। क्लाउडनरी इसका काम भी यही है, फाइल अपलोड करें, इमेज करें, ऑडियो करें, वीडियो। इसके अंदर आपको टाइप्स बतानी पड़ती है, बेहतर होता है कि आप कोर कॉन्सेप्ट सीखा करें। जो पता नहीं इधर लिखा गया कहीं ना कहीं इसने लिखा होगा इमेज एंड वीडियो एपीआई फॉर पावरफुल विजुअल अपीयरेंस स्टोर ट्रांसफॉर्म ऑप्टिमाइज एंड डिलीवर ऑल योर मीडिया एसेट्स विद इजी टू यूज एपीएस। ये उन्होंने बना के दिया है, थर्ड S3 पैकेज आ गया अमेजोन ने दिया है S3 इमेज अपलोड। ये अमेजोन ने फ्री में कुछ सर्विसेज दी हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अपलोडिंग फोटो टू अमेजोन S3 फ्रॉम ए ब्राउजर, इसका अपनी कहानी है। मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और नोड में चलती है आगे। ये लाइब्रेरी है, जैसे आपने मैंने आपको कोर ऑथेंटिकेशन सिखाई है, ये ऑथेंटिकेशन आप जो सीख लेगा ना उसको ये नहीं खाली नोड में काम आएगी। फर्ज करें मैंने अगर आपको रिडक्स कराऊंगा तो मैं कोर कराऊंगा पहले। आप दुनिया की जिस मर्जी कंपनी में या जिस मर्जी लैंग्वेज में चले जाएँ, आप PHP में जाएँ ऐसी JWT लिख की जाएगी, पाइथन में जाएँ यही लिखने का तरीका होगा। इसी प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक होती है, कोई नोड के साथ चलती है, एंगुलर के साथ नहीं चलती, कोई PHP के साथ चलती है, वो जावा के साथ नहीं चलती। इसलिए मैं कोर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये दुनिया में जहाँ मर्जी यूज़ कर ले मल्टर चलेगी जिस मर्जी में। अब ये जो JWT पार्टी है ये जिस मर्जी लैंग्वेज में अप्लाई करें, आपका दिल करता है मैंने ऑथेंटिकेशन का ये वाला सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है JWT वाला, हाँ। अदरवाइज आप ये जान छुड़ाना चाहते हैं तो Auth0 लाइब्रेरी बनी है, ये सारे काम ये भी कर देगी। हाँ अब इधर तो आपको लॉगिन गूगल से सीधा सीधा मिल जाता है, यहाँ पे आपने कोड लॉजिक लिखनी है। तो बेहतर होता है कि आप कोडर बने, पहले कोडिंग सीख लें फिर लाइब्रेरी, तब मैं प्रेफर करता हूँ जब आपकी बेसिक कोडिंग पे स्किल आ जाए, आपको एटलीस्ट कोडिंग का पता चल जाए ना, तब आप अपने बॉक्स में या टूल के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन कर लें। अगर आप स्टार्ट में लाइब्रेरी पे जाएंगे ना तो ये वाली कहानी कभी समझ ही नहीं आनी, इसलिए बैकएंड डेवलपर भी इतने कॉस्टली होते हैं। अब देखा है इतने 2-3 दिनों से हम कोड ही लिखते जा रहे हैं, कोई UI पे नज़र आया कुछ नहीं, कोड ही कोड है, ये लॉजिकल काम है, इसलिए बैकएंड डेवलपर की ज़्यादा डिमांड होती है। जो तो लोग मतलब लॉजिकल माइंड वाले, मैं उनको रिकमेंड करूँगा। वैसे तो पहली तो बात है कि आप करें ही फुल स्टैक, अगर आपको फुल स्टैक की समझ आती है तो दैट इज़ वेरी बेस्ट कॉन्ट्रास्ट, अगर वो नहीं समझ आती तो सेकंड चॉइस है आप बैकएंड को चूज़ करें। कॉस्टली है ना, आप एज्यूम कर लें फ्रंट एंड डेवलपर जहाँ पे 3 माह एक्सपीरियंस के साथ अगर वो 60,000 ले रहा है तो ये सेम एक्सपीरियंस है 1,00,000+ लेगा, कितना ज़्यादा करे। और ये काम भी मज़े का है, आपको कोई टेंशन नहीं कि फ़ॉन्ट इधर रखना है, फ्लैक्स करना है, तस्वीरों को मार्जिन देना है, मोबाइल पे कैसा दिखाना है, और जी कोडिंग लिखनी है स्कूल से लिखते रहें। कोडिंग की आपको एक दफ़ा समझना पड़ेगा ना, एक दफ़ा आपने समझ ली फ्रंट एंड के अंदर इतना तो ज़्यादा आपको HTML सीखें, JavaScript सीखें, Bootstrap सीखें, jQuery सीखें, मॉडर्न JavaScript सीखें, React सीखें, और फिर Tailwind सीखें, Material UI, इतनी 25 लाइब्रेरी साथ हैं, फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं। इसमें सिर्फ लैंग्वेज सीखें, एक ही लैंग्वेज, ना आपको कलर की टेंशन, ना मार्जिन की टेंशन, कोड है, लॉजिक लिखनी है, और लॉजिक एक दफ़ा ही सीखनी है। सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डेटाबेस में अगर डेटा भेजना है तो उसके लिए .save ही लिखना है, भेजना कौन सा वो आपने सोचना, जो फ्रंट एंड से आएगा आपने उन्हीं को स्टोर करना है ना, स्टोर करते हैं हाँ। आप उसके अंदर ये कम्प्लेक्सिटी है, ऑथेंटिकेशन ऐड होगी, हमने bcrypt ऐड कर दिया, कल को मल्टर लाइब्रेरी आ जाएगी। फिर अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग का टाइम बचा तो मैं एक ऑनलाइन आपको ऐप, जैसे जूम की ऐप बनी है, जूम की ऐप बना के वीडियो चैट ऐप, ऑडियो वीडियो कॉल ऐप इंटीग्रेशन करवा दूंगा,
उस वक्त आप बचना, अदरवाइज क्लस्टरिंग के टॉपिक इसमें आ जाते हैं। यानी ये सही प्रॉपर एडवांस लेवल का मैं नोट बढ़ा रहा हूँ, ये आप सिलेबस में भी देखे नहीं होंगी ये वाली आउटलाइन, चेक कीजिएगा शाम को जाके, नहीं होंगी। लेकिन एज ए डेवलपर, बीइंग ए डेवलपर, अगर आप लाइफ में काम करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको जिंदगी में कभी ना कभी ऑथेंटिकेशन का काम ना मिले। आपको ऑथेंटिकेशन कभी ना कभी फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आप डेवलपर है ना, तो कोई ना कोई ऐसी एक ऐप आएगी जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन का काम करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप सारी उम्र जनाब फ्रंट एंड ही बनाते रहें और उस पर लॉग इन लॉगआउट की फंक्शनैलिटी नहीं हो सकता है पहला टास्क ये वाला मिल जाए। तो बीइंग ए डेवलपर ये टूल आपको आनी चाहिए। और अभी हम घूम रहे हैं। अच्छा, फ्रंट एंड का मसला नहीं होता अगर आपकी एपीआई सही लिखी है ना, फ्रंट एंड का कोई इशू नहीं होता। असल काम होता है बैक एंड पे करने वाला। अगर आपकी बैक एंड लॉजिक सही लिखी है ना, तो इसको फ्रंट एंड से हमने भेजना ही है। अब फॉर्म बनाएंगे, उधर से वो लॉग इन ही करना है ना, उसने ईमेल देगा, काम का पीछे टोकन हो रहा है। अगर लॉग इन होगा तो उसको जो हमने अख्तियार देने हैं उस डैशबोर्ड पे हमने सिर्फ राउट बनाना है कि अगर इमरान लॉग इन करेगा तो ये तो एडमिन, हमने इसको बनाया हुआ है पीछे, तो इसको प्लान राउट पे भेज। अगर अली ऐड करता है तो ये तो मैंने डेटाबेस में चेक किया ये यूजर है, इसको फलां राउट पे डाइवर्ट कर दें। वो राउटिंग पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देते हैं। वो फिर आगे यूआई में यूआरएल चेंज करते रहेंगे। हाँ, वो सिंपल है, डायनामिक यूआरएल बना देंगे हम। जो यूजर लॉगिन कर रहे हैं हम उसी के पैरामीटर लेके वो पास कर देंगे यूज पैराम के थ्रू, तो वही वाला यूजर डाइवर्ट हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव पाथ पे। थर्सडे को कोशिश कीजिएगा आ जाएं। उसके लिए दो मेरे पास चॉइसेस है आपके लिए, या तो पूरा दिन ही रिजर्व कर लें एरर्स के लिए, क्योंकि मुझे अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेजेस वगैरह आते हैं कि सर हमारे फलां एरर आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं। एक तो ये आपके लिए ऑप्शन है, अब तक जितना पड़ा है 2 आवर्स उस पर स्पेंड करके अपने सारे मसले मसाइल सॉल्व करवा लें, एक ये ऑप्शन है। या फिर ये कि टोकन को हम वेरीफाई करवाएं और इस चैप्टर को क्लोज करें, किसी दिन नेक्स्ट अपना एरर का सेशन लगा दें। क्योंकि ये इस तरह ना छोटे मोटे मसले होते हैं, वो मेरी टाइम की कॉन्स्टेंट होती है, मसला बनता रहता है। वो आप लोग बारह सोच के मुझे बता दीजिएगा जो आपका दिल करे, मेरे दोनों में कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन प्रॉपर मैं कहता हूँ करें ना, ताकि आपको कोई फायदा भी हो। इस तरह क्या कि आप वो काम भी करें और फायदा भी ना हो, उसका तो बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं। हेलो, हाँ जी, बहुत क्लास में ऐसे पूरा क्लास में फसे हुए हैं। हाँ, कौन? मेरे को मोटरसाइकिल जी जनाब, कोई किसी लाइन पे डाउट है, कुछ पहला गलत लिखे हैं तो वो दुरुस्त करवा दें। ये काफी अभी हमने लॉगिन बनाया, अब लॉगिन की बेस पे हम मिडलवेयर्स बनाएंगे। कभी कभी आपने नाम सुना होगा जिंदगी में मिडलवेयर, जिसके लिए उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क बनाया एक्सप्रेस जीएस। मिडलवेयर का क्या काम होगा, वो गार्ड का रोल प्ले करेगा, जैसे अरफा में गार्ड बैठे, जैसे आप एंटर होते हैं किधर कार्ड दिखाएंगे, ले कार्ड दिखा के एंटर होते हैं ना। अब हम गार्ड को बिठाएंगे, जब यूजर लॉगिन हो रहा है ना, तो दरमियान में एक गार्ड बैठा हो, वो देखेगा हाँ जी किधर जाना है आपने, सर PNY में, ठीक है जी आप 14 पे चले। अगला बंदा है, हाँ जी मैंने जी 4th फ्लोर पे, ओके जी लिफ्ट से चले जाए। वो गार्ड तय करता है कि आपने कहाँ पे जाना है। अब वो गार्ड बनाएंगे, उसको हम कहते हैं मिडल वेज।
एक्सप्रेस आपका मिडलवेयर का रोल प्ले करेगा। देखें ये आपकी रिक्वेस्ट आएगी, ये एपीआई यहाँ पे हम लिखेंगे। जब आप दो चीजें लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स लिख रहे हैं, यहाँ पे एक नया वेरिएबल और ऐड हो जाएगा नेक्स्ट का, ये होता है मिडलवेयर। ये क्या करेगा, जो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, सबसे पहले वो यहाँ से छलांग लगा के नेक्स्ट पे आ जाएगा। मतलब यूजर लॉग इन हुआ या कोई ऑपरेशन करना चाह रहा है तो लॉग इन होगा तो पहले वो मिडलवेयर पे आएगा, मिडलवेयर उसको स्टडी करेगा तो यार ये क्या चाह रहा है। लॉगिन हो रहा है तो लॉगिन होने के लिए उसको मैंने किधर डाइवर्ट करना है, मैंने इसको रिस्पॉन्स कौन सा जनरेट करवाना है। अगर तो ऑथेंटिकेटेड यूजर है भी या नहीं है, अगर ऑथेंटिकेटेड है चलो एक प्रोसेस कम्प्लीट हो गया, अब उसको ऑथोराइजेशन कितनी देनी है, ये उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट करेगा मिडलवेयर। और ये रोल प्ले करेगा, देखें उन्होंने लिखा भी हुआ है नेक्स्ट का वर्ड लिखा हुआ है, पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे वो जाके चला जाएगा नेक्स्ट मिडलवेयर। नेक्स्ट के अंदर हम लॉजिक लिखेंगे अपनी मिडलवेयर के अंदर कि जनाब अगर तो बंदा आ रहा है उसका रोल जीरो है या वन है तो उसको आप फलां पेज पे भेज दो, उसको फलां फलां पावर्स दे दो। अगर वो यूजर ही गलत है तो यहाँ पे ही वो नेक्स्ट से ही हम उसको डाइवर्ट कर देंगे वापस। अगर एक्सेस नहीं है तो हम रिस्पॉन्स में वो रिस्पॉन्स दिखा देंगे यार लिमिटेड एक्सेस है। अगर उसको नेक्स्ट के अंदर आप नेक्स्ट के अंदर एक्चुअल में आप अपनी सारी लॉजिक लिखेंगे मिडलवेयर के अंदर, क्या हमने इसके साथ करना क्या है, यूजर के साथ डिफरेंट पावर्स देंगे इसके साथ। ये कोई फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी क्या है आपका मर्न है एक्सप्रेस जीएस, बहुत अच्छे मर्न पढ़ के एंड पे पूछा सारी रात ही सुन सुन के सुबह पूछ रहे हैं कि वो लड़का है या लड़की है। अभी तक आपने उसका रोल नहीं देखा, अब ये उसके रोल प्ले होंगे। हाँ जी, अब तक हम जो खेल रहे हैं ना वो आपस में कभी नोड को तंग कर रहे हैं, ये हल्का फुल्का परफॉर्म कर रहे हैं, अब हम इसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। 10 दिनों से इसने काफी रेस्ट कर लिया, अब इसकी बारी आ गई। ये जब अपने मिडलवेयर के फ्राई सर अंजाम दे देगा तो फिर हम इसको भी फ्री कर देंगे, आपका मर्न का एटलीस्ट एरिया कंप्लीट हो जाएगा। ये ना यूजर रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, अब देखें ना आप एक वेटर का ये रोल बना रहा है,
अब वेटर को आपने ऑर्डर दिया जनाब पिज़्ज़ा ला दो, रिक्वेस्ट की। अब सर्वर जो दरमियान में बैठा हुआ है वो हो सकता है जो ऑर्डर टेकर है, ऑर्डर हो सकता है ऑर्डर लेने वाला कोई और, उस बंदे के पास पूरी आई है जनाब, प्लान टेबल पे आपने ड्रिंक भेजनी है, प्लान टेबल पे आपने चिकन भेजना है, इधर वो लेके आएगा, उसे पूछेगा यार मैंने किस टेबल पर जाना है। अगर वो 12 नंबर टेबल वाले ने कोक मांगी है, आप उसको जाके चाय दे दें, तो मसला तो खराब हो जाएगा। ये वाला काम, ये एहतियाती तदाबीर जो है एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस आपके मर्न का पार्ट है और एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। लाइब्रेरी स्मॉल होती है, काम दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। लाइब्रेरी में भी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं मोटा मोटा समझ, फ्रेमवर्क में भी बिल्ट इन फंक्शन और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको यूज करके आप काम कर। लाइब्रेरी फ्रेमवर्क एक ही चीज कह सकते हैं लेकिन इनका स्कोप डिफरेंट है। फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरी कर सकती है, लाइब्रेरी के अंदर फ्रेमवर्क नहीं होता भाई। ये हमारी दुनिया में रिएक्ट वाहिद चीज है जिसने ये उल्ट काम किया हुआ है। आप फ्रेमवर्क माइट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लाइब्रेरी, लेकिन एक लाइब्रेरी के अंदर फ्रेमवर्क नहीं हो सकते। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है तो बहुत बड़ा है, फ्रेमवर्क का मतलब बड़ा जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा और बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, लेकिन रिएक्ट लाइब्रेरी होते हुए भी गूगल एंगुलर से कई गुना फास्ट है पहली बात, और इससे ज्यादा काम कर रही है। और दूसरी बात, इसने अब अनोखा काम किया, इसने अपना फ्रेमवर्क बना दिया, नेक्स्ट किया। ये दुनिया की वाहिद लाइब्रेरी है। अमूमन आप जितनी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें यही लिखा होगा कि एक फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं, लेकिन इन्होंने काम एक नए चांद चढ़ा दिया। देखिए यानी कितनी पावरफुल ये लाइब्रेरी बन चुकी कि वो अपना फ्रेमवर्क बना चुकी है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि लाइब्रेरी के अंदर समझ ले 4 फीचर हैं, फ्रेमवर्क के अंदर 4 के मुतबादल 100 फीचर है। सेम ही है, अगर आपको रिएक्ट आती तो 70% आपकी कोडिंग सेम है। स्टेट प्रॉप्स, उसके अलावा राउटिंग इसमें बल्कि आसान है, एपीआई का काम करना, इवेंट हैंडलिंग सेम, क्योंकि रिएक्ट का फ्रेमवर्क है ना। आपको अगर रिएक्ट सही आती है तो आप 2-3 चीज़ें आपकी बोनस में होगी। नेक्स्ट जेएस भी हो गया 60-70% और मोबाइल ऐप भी 60-70% होगी रिएक्ट नेटिव, उसका कोड भी सेम। और वो बड़ी मजे की है, आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप बना सकते हैं। और टाइम नहीं, टाइम की कॉन्स्टेंट है, नहीं तो मैं आपको उसका सेटअप करने में 2 दिन लग जाते हैं। आपके पास मिनिमम 16 से 24 GB लैपटॉप एटलीस्ट होना चाहिए, फाइबर नेट या 5G+ नेट हो, तो फिर हम 1-4 घंटों के सेशन में फिर उसका सेटअप कर सकते हैं। उसका सेटअप ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जो उसको इंस्टॉल प्रॉपर कर लेते हैं उसको समझ आ रिएक्ट वैसे ही आ गई। आप खुद अंदाजा लगा लें कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा नेटिव। और मैंने अपने करियर में इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं आज तक देखा इंस्टॉलेशन का, लेकिन यह है कि उसको अगर आप केयरफुली स्टेप बाय स्टेप करें तो वो हो जाएगा। उसमें भी आपको सपोर्ट है, अगर आप ये वाला काम करें ना रिएक्ट नेटिव और नेक्स्ट जेएस, इसका सेम ही काम है, कोड भी सेम है ऑब्वियसली। हाँ, यहाँ पे आप डिव लिखते हैं, पी का टैग लिखते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट का टैग आ जाता है और व्यू का टैग आ जाता है, बाकी सेम है। ये आ गया जनाब, बल्कि इससे ज़्यादा इधर अकाउंट बता रहे थे उसी तरह ही है, यूज स्टेट बना रहे हैं, यूज अकाउंट सेम है, कोई चेंज नहीं है, इसका काम सेम ही होता है। फिर हल्का फुल्का तो ऑब्वियसली चेंज होना ही होता ना, सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। ये देखो उसने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, उधर आप डी या पी का टैग लिखो, बाकी सेम फंक्शनैलिटी, उसी तरह क्लिक है, उसी तरह एरो फंक्शन है, उसी तरह काउंट प्लस वन हो रहा है, मैप भी उसी तरह लगेगा, आपके राउट भी उसी, हाँ राउट की जगह पे इसका नेविगेशन आता है। राउट तो है नहीं, आपने स्क्रीन चेंज करनी है, जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो नई स्क्रीन पर चला जाए, इसको हम कहते हैं नेविगेशन बिटवीन स्क्रीन। इसमें राउट बदलते हैं, नेक्स्ट जीएस में तरीकाकार ऑलमोस्ट सेम है।
सर मेरी यूनिवर्सिटी होती है, दैट्स व्हाई मैं लाइव नहीं कर पाता, बट आई डू कवर लेक्चर फ्रॉम अकॉर्डिंग। मैं ये पूछना था, हमारी बस 5 लग रहेंगी और हम रिडक्स सब करेंगे सर। मैं जब कहेंगे रिडक्स करा दूंगा, टेंशन ना लें। ये चलें एक दफ़ा टोकन वाला काम मैं ख़त्म कर लूँ, अभी क्लासेज हैं तो आगे मैं रिडक्स करा दूँगा स्टार्ट। और बताएं, रिडक्स के अंदर 3-4 फ्लेवर हैं वैसे। मैं रिडक्स पे सही काम करें तकरीबन उस पर 8 क्लासेज लगती हैं सही रिडक्स करें तो। पहले को रिडक्स पढ़ें काउंटर की एग्जांपल से, फिर रिडक्स पढ़ें विद शॉपिंग कार्ट, फिर रिडक्स पढ़ें विद मिडलवेयर्स, फिर रिडक्स टूल किट पढ़ें। दुनिया आपको रिडक्स ही रिडक्स हो जाएगी, क्योंकि आप जब जॉब अप्लाई करते हैं तो आप गौर करें, आप उन्होंने बकायदा रिक्वायरमेंट लिखी होती है। रिडक्स लिखा होगा, उन्होंने कहा रिडक्स आता है तो आप अप्लाई करें, यानी 50% आपका इंटरव्यू और लेक्चर वैसे ही कवर हो जाता है अगर आपको रिडक्स आता है। लेकिन अगर उन्होंने लिखा है तो वो इतना आसान काम भी नहीं है, वो ऑथेंटिकेशन से भी और तरह की चीज़ है। लें जी अपना ख्याल रखें। लें क्या कह रहे हैं सर, रिडक्स कवर करेंगे हम सारी? नहीं सर, एक आध ही करेंगे, इतना टाइम नहीं कि मैं चारों रिडक्स करा दूं। वो मैं पोल करवा लूंगा, एक रिडक्स आपको समझा दूंगा, उसकी बेस पे आप जितने मर्जी रिडक्स कर दें, लेकिन वो मैं इतना करवा दूंगा, इतनी डेप्थ में करवा दूंगा कि आपको कोई भी इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप रिडक्स के अंदर हैंडल कर लेंगे। मैं रिडक्स आपको पहले एक दिन सिर्फ उसकी थ्योरी पे लगेगा प्रॉपर, 2 घंटे रिडक्स का फ्लो समझने के लिए। ये नहीं कि मैं आगे कहूँ चलो जी NPMI रीडर कहानी स्टार्ट, ऐसे समझ नहीं आनी। 2 आवर्स में उसका मैं प्रोसेस बताऊंगा कि एक्शन में डाटा कैसे जाता है, रिड्यूसर में जाने से पहले उसके साथ क्या क्या होता है, स्टोर में जाता है तो क्या होता है, स्टोर से दूसरे कंपोनेंट को कैसे पास करते हैं, तो आप अंदाजा खुद लगा लें। 2 आवर्स के लेक्चर में तो जस्ट आपको अवेयरनेस मिलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि चारों रीडर्स हो सकें। अगर टाइम बचा, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये, मैं ऑलमोस्ट यही चीज़ें दिन में पढ़ाता हूँ, हो सकता है 2-4 दिन पहले ही मैंने किसी जगह टूल किट कराई, किसी जगह रीडक, तो मेरे लिए चलता रहता है। मैंने अपना कोई कोशिश करता हूँ मेरा कोई लेक्चर वेस्ट नहीं होता, अगर लेक्चर वेस्ट हो मैं सेम वीक में ही उसको फारग कर देता हूँ। जो मुझे मैनेजमेंट ने टास्क दिया होता है, जितने लेक्चर है, मैं उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ पर्पजफुल कंटेंट डिलीवर करूँ। अब ये वाला टॉपिक अगर आप क्रैड भी करें ना, तो इसको फालतू चीज़ों पे जितना मर्जी टाइम लगा दें, मैं प्रोटेक्टेड ड्राउटिंग के टॉपिक को छेड़ दूँ तो आपकी बाकी 5 क्लासेस गुजर जाएंगी। मतलब ये टीचर पे डिपेंड करता है ना, आप चाहें तो मैं राउटिंग पे पूरा महीना लगा सकता हूँ, आप चाहें तो यू स्टेट पे 10 क्लासें हो सकती हैं। यू स्टेट है, आपने तो सिर्फ काउंटर ही समझाना है यू स्टेट, आपने कभी उस पॉइंट से ही सोचा यू स्टेट की कितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। कहने वाले कहते हैं कि जनाब अगर आपको यू स्टेट और प्रॉप्स की समझ आ जाए तो 80% रिएक्ट आपको आ जाएगा। यू स्टेट और प्रॉप्स ये उसकी बैकबोन है रिएक्ट की, इसके अंदर जान है। प्रॉप्स और रिएक्ट के अंदर यू स्टेट, ये 2 टॉपिक आपको आते हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। और आपने चलो को एक एक एग्जाम्पल पढ़ी होगी उस पर मैथ्स, लेकिन आप यू स्टेट को वो टाइम पे डिपेंड करता है ना, आप जितना मर्जी उसको डेप्थ में देखते जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो जी दीप साहब की कॉल आ रही है, लें जी 1 मिनट पहले फोन को पूछ लो। जी भाई